वी स्टार्टेड दिस कंपनी अबाउट सिक्स मंथ्स बैक जो पहली मशीन हमने लगाई वो अप्रैल फर्स्ट को लगाई थी बाकी हमारी काफ़ी वेरिड लोकेशंस पे है जैसे इवन दिल्ली मेट्रो में हमने एक ट्रायल के लिए दो मशीन्स लगाई हुई हैं तो अब जैसे अभी नवरात्रि आए थे तो हमने नवरात्रि फूड भी डाला था okay. तो उसमें भी काफ़ी अच्छी सेल निकली है तो ऐसे हम मतलब सीजनली वेरी करते रहते हैं अपने असॉटमेंट गाइज आज हमारे साथ बिपिन जी है वीवेंट से ये विवेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर है वेंडिंग मशीन ऑपरेटिंग कंपनी है एंड ये इंडिया में ऑपरेट करते एक बड़े स्केल में तो आज जानते हैं कैसे काम करती है इनकी मशीन्स एंड बिपिन जी आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं yeah, अपने बारे में एक्चुअली वी स्टार्टेड दिस कंपनी अबाउट सिक्स मंथ बैक मतलब प्लानिंग तो हमारी चल रही थी ऑलमोस्ट एक साल से बट जो पहली मशीन हमने लगाई वो अप्रैल फर्स्ट को लगाई थी

फ्रॉम uh, अप्रैल आपने स्टार्ट किया एंड नाउ छः महीने में फिफ्टी मशीन्स हाँ, में चले हाँ, जाओगे ओके ओके दैट्स वेरी ग्रेट तो अभी तक कौन कौन से लोकेशंस पे आपकी मशीन है हम लोग अभी दिल्ली एनसीआर में ऑपरेट कर रहे हैं ज़्यादातर और एक पुणे में हम कर रहे हैं लाइक हम टेक्निकली स्पीकिंग हमारे पास चार टाउन्स हैं नोएडा गुड़गांव डेली सिटी दे एंड देन पुणे सिटी सो so, चार लोकेशन हो गई तो इसमें हमारी पाँच पाँच दस दस मशीन सब जगह लगी हुई है हमारे या। तो आप एग्जैक्टली exactly मतलब जगह कैसे चूज करते हो दिल्ली में मतलब कोवर्किंग अच्छा हो गया या हाँ, कुछ और। लोकेशन इज़ मेजर थिंग व्हेन व्हेन वी अ वेंडिंग मशीन ऑपरेटर यू शुड हैव द राइट लोकेशन अगर लोकेशन ठीक नहीं है तो आप समझिए कि आपको लॉस होगा तो एक सबसे इसका एक हमारा पूरा सिस्टम है हम जाके रैकी करते हैं हमारी टीम है okay. और उसके अलावा हम पूरा फीडबैक लेते हैं जिस लोकेशन पे मशीन लगनी है उस पर हमें हमें ये, ये आइडिया लगना चाहिए कि वहाँ पे कितनी सेल निकल सकती है और हमारा टारगेट ये रहता है कि वहाँ पे डेली की कम से कम पंद्रह सौ रुपये तक की सेल हो तो ये अगर आप ऑडियंस को थोड़ा बता पाए कि मतलब क्या फैक्टर्स आप जज करते हो कि इस लोकेशन में सेल आ सकती है हाँ तो फैक्टर्स बेसिकली एक मेजर फैक्टर होता है कि वहाँ पे फुटफॉल क्या है लाइक like, uh, अगर जो हम एक कारपोरेट ऑफिस की बात करें तो हमारे को एटलीस्ट 400 या 500 आदमी का ऑफ़िस चाहिए पाँच सौ आदमी के ऊपर हमने देखा है कि जो एवरेज सेल आती है वो अराउंड हज़ार से पंद्रह सौ रुपये पर डे की आ जाती है ओके प्लस जरा बहुत सारे और फैक्टर्स हैं कि वहाँ पर कोई कैंटीन तो नहीं है कोई कैफ़े तो नहीं है या वो कैफ़े है भी तो उसमें किस तरह का फूड वो बेच रहा है एग्जैक्ट exactly. तो वो सब चीज़ें देखते हुए uh, एक पैरामीटर्स बन गए हैं कुछ उन पैरामीटर्स को हम फॉलो करते हैं बड़े स्ट्रिक्टली बाकी हमारी काफ़ी वेरिड लोकेशंस पे है जैसे इवन दिल्ली मेट्रो में हमने एक ट्रायल के लिए दो मशीन्स लगाई हुई हैं लाल किला में भी लाल किला मेट्रो स्टेशन पे लगी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी चलती है वह ऑलमोस्ट डेली सेल हमारी तीन हज़ार के ऊपर है तीन से चार हज़ार रुपये तक की सेल है वहाँ पे डेली की आ, हमें सुनने में आया था रिसेंटली आई थिंक राखी का टाइम था और आपने वेंडिंग मशीन्स में राखी भी सेल की है तो वो हमारे हमने एक्सपेरिमेंट क्योंकि असॉर्टमेंट जो है उसका हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं हु. तो उसमें हमने राखी पे हमारे को ऐसी कुछ आइडिया आया कि कॉरपोरेट्स में अब किसके टाइम है वो जाए बाजार राखी खरीदे और उसके लिए वो उसका आने जाने का टाइम और खर्चा इतना ज़्यादा है तो हमने मशीन में ही राखी डिस्पेंस की और इट वाज अ बिग हिट मतलब तो हम हमने जितनी सोची थी उससे कई मतलब वो पहले ही सोल्ड आउट हो गई थी सारी ओके okay. या तो nice. देट वे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और सारा इसमें गेम ही है कि आप इंटरेस्ट क्रिएट करके रखो सारे अपने यूजर्स का तो अब okay. जैसे अभी नवरात्रि आए थे तो हमने नवरात्रि फूड भी डाला था okay. तो उसमें भी काफ़ी अच्छी सेल निकली है तो ऐसे हम मतलब सीजनली वेरी करते रहते हैं अपना असॉटमेंट ठीक है मीन्स दैट इज़ व्हाट मीन्स डिफ्रेंशिएट्स फ्राम अ रेगुलर बिजनेस आई विल से क्योंकि हम लोग अभी बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं सारे बिजनेस को कहीं पे भी सेल में कोई वेरिएशन आती है या कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम उसको इमीजिएटली उसका रीज़न फाइंड करने की कोशिश करते हैं और okay. हम कोशिश करते हैं कि हमारी हर मशीन अपने एक मिनिमम प्रॉफिट लेवल पर चले ओके आई गेस आप सबको समझ आया होगा वीवेंट पूरी तरीके से वेंडिंग मशीन ऑपरेट करती है एंड ये वेंडिंग मशीन की फ्रेंचाइजीज रेंटल ये सब भी मॉडल है तो बिपिन जी आप एक बार एक्सप्लेन हाँ, करेंगे तो अब आ, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा जो इस पर्टिकुलर फील्ड में आना चाहते हैं जो सोचते हैं कि वेंडिंग मशीन इज़ अ लाइक बहुत अच्छा एक बिजनेस है और उसमें वो आना चाहते हैं उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वेंडिंग मशीन्स का डेफिनेटली बहुत आगे स्कोप बहुत अच्छा है इंडिया में क्योंकि हमने जब ये काम शुरू किया था उसके पहले हमने बहुत सा बहुत सारी स्टडीज़ की थी बहुत सारी रिपोर्ट्स ली थी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी ली थी तो इंडिया में अभी बाय ऑल पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा स्कोप है मतलब अगले पाँच साल में आई थिंक ये जो इंडस्ट्री है वो इतनी ग्रो करेगी जो आई थिंक कोई भी और इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी बिकॉज आई थिंक करेंटली इन इंडिया देर आर टेन फिफ्टीन थाउजेंड मशीन्स एंड इन कंट्रीज़ लाइक यूएस जापान उनकी पचास तो पचास से मशीन तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है मतलब जो वहाँ पे जापान में एवरी ट्वेंटी टू पीपल दर इज़ वन मशीन यस और इंडिया में तो आप वो नंबर <laughs> कैलकुलेट ही नहीं तो। कर सकते या लाखों करोड़ों में तो इसीलिए स्कोप बहुत है पहली बात दूसरा ये है कि इसमें एंटर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए क्योंकि अब जैसे हमारे हमारी जैसी कंपनी है हम लोगों के पास बहुत सारे मॉडल्स बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम इनवाइट करते हैं लोगों को हमारे को ज्वाइन करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर जो आपका कोई ऑफिस है जिसमें आप आपको लगता है कि मशीन लग सकती है तो हम आपको यू कैन अप्रोच अस हम लोग आपसे वो एक बार स्टडी अपनी रैखी करेंगे उसके बाद हम आपको रेंटल पे भी मशीन लगा देंगे ओके okay. तो उसमें हम आपका मतलब रेंटल जो हमारा रेंज है वो बिटवीन सिक्स थाउजेंड टू एट थाउजेंड हम लेते हैं डिपेंडिंग कि वहाँ पे सेल कितनी निकलती है फॉल्स वगैरह कितना आता है और आपको मंथली रेंटल देना है दैट इज़ ऑल बाकी हम अपनी मशीन लगाएंगे अपने आप उसको रिफिल करेंगे अपने आप ऑपरेट करेंगे आपके इंप्लॉयज़ के लिए एक फ़ैसिलिटी क्रिएट हो गई आप इंस्टेड ऑफ़ इन अगर मैं ऑफिस में एक कैंटीन बनाना चाहूँ एक बंदे को हायर करूँ बिल्कुल फिर अलग अलग सौ चीज़ें इट्स बेटर मतलब एक वेंडिंग मशीन लगा दिया जाए एंड वो भी एक फ्रैक्शन ऑफ उसमें तो कोविड वगैरह और इसके बाद एटलीस्ट अब एक और प्रॉब्लम क्या हो गई है कि लोगों को चाहिए बिल्कुल हाइजीनिक और ऐसा ऐसा वो डिस्पेंसिंग चाहिए जो बेसिकली प्योरली सैनिटाइज हो हाइजीनिक हो और प्लस डिजिटल एज है तो इसमें आजकल कैश का भी किसी के पास कैश होता ही नहीं है जो यंग जनरेशन है एटलीस्ट उन वो अब कैश भूल ही गई है मतलब तो उनको चाहिए सब कुछ डिजिटल हो okay, तो हमारी मशीन टोटली डिजिटल हैं इसमें सारी पेमेंट जो है यू बेस्ड है सारे प्लेटफॉर्म चलते हैं चाहे वो पेटीएम है चाहे कुछ रुपया है कोई भी हर तरह का प्लेटफॉर्म चलता है आप उसके थ्रू पेमेंट करिए और आप अपना सामान लेके तो आप, आप ये ये एक बार बता सकते हैं स्टेप बाय स्टेप एक कस्टमर की जर्नी क्या रहती है मशीन हाँ, के पास जाके तो जब मतलब काफ़ी सिंपल है मशी, मशीन के आगे जब आदमी आता है तो मशीन्स में अच्छी लाइटिंग वगैरह है तो सारे प्रोडक्ट्स बड़े क्लियरली उसको दिखते हैं ब्रांड्स दिखते हैं और सारे हमारे जो ब्रांड्स हैं वो एफ एस अप्रूव ब्रांड्स हैं ओके मिनिमम स्टैंडर्ड हम रखते हैं कि एफ हो साथ में उनका एक क्वालिटी हो क्वालिटी स्टैंडर्ड हम चेक करके ही मशीन में डालते हैं और उसने देखा और उसके बाद उसको निकालने का उसके कई तरीके हैं एक तो हमारी हर मशीन पे एक स्क्रीन है दस इंच की okay. उस स्क्रीन के ऊपर भी वो सारी जो मशीन है वो उसी के सेम प्रोडक्ट्स उसमें भी बने हुए हैं वहाँ से वो सेलेक्ट करके और वहीं से वो पेमेंट का मोड सेलेक्ट करके और पे करके और सामान ले सकता है या फिर वो चाहे तो एक क्यू कोड है वहाँ पे उसको स्कैन करके अपने फोन से भी ऑर्डर कर सकता है।, है और तीसरा वहाँ से भी वो कर सकता बिल्कुल हो गया। बिल्कुल मतलब है बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल रिमोट है इवन आप हमारे उसमें एक और फीचर भी होता है कि अगर जो बड़े ऑफिस में आप बैठे हो आपके पास फैसिलिटी है कि कोई जाके आपका सामान ले आए तो आप अपने ऑफिस में बैठ के ऑर्डर करो और पे डिस्पेंस ले, लेटर का ऑप्शन भी है ओके okay. तो वो उस पर कर दो डिस्पेंस लेटर तो एक ओ आ जाएगा तो आप अपने पीएन को भेज दो वो जाएगा ओ पंच करेगा और सामान निकाल के आपको डिलीवर कर देगा ओके okay, nice. ये ऑप्शन भी है ये शायद मुझे लगता है हमारी मशीन में ही है और कोई नहीं देता यार ओके दैट इज़ ग्रेट या तो वेंडिंग मशीन्स में आप प्रोडक्ट कैसे रखते हो एंड कैसे जज करते हो ये प्रोडक्ट यहाँ चलेगा हाँ तो एक्चुअली ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है और आई थिंक जो मैंने आपको बताया पहला पहला फैक्टर एक सक्सेसफुल बिजनेस का था कि आपको अच्छी लोकेशन चाहिए दूसरा फैक्टर है कि आपको अच्छी असॉटमेंट चाहिए क्योंकि आप अगर जो ठीक प्रोडक्ट नहीं डालोगे या सही मतलब असॉटमेंट ठीक नहीं होगी आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आप ठीक से सेलेक्ट करके नहीं डालोगे तो ऑब्वियसली मशीन नहीं चलेगी क्योंकि तो आगे तक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा आई मीन आप बोल रहे हो कि चिप्स बेवरेजेस कोल्ड ड्रिंक्स हाँ, ये सारा हाँ, मिक्स होना चाहिए हाँ, हाँ, तो हमारे उसमें क्या है कि जैसे पहली दो शेल्फ्स में हमारे नॉर्मली चिप्स रहते हैं चिप्स के थोड़े बड़े पैकेट होते हैं वो ऊपर के उसमें होते हैं फिर हमारे बेवरेज होते हैं मतलब इसमें लस्सी भी है दूध चॉकलेट्स चॉकलेट शेक्स भी हैं जूसेस भी हैं ऐसे बेवरेज हैं ज़्यादातर टेट्रा पैक्स हैं या फिर वो कैंस हैं तो क्योंकि कांच का कुछ भी सामान रखते नहीं क्योंकि वो गिरता है तो उसका टूटने रखता तो रहता है और उसके बाद फिर हमारे चॉकलेट्स हैं बिस्किट्स हैं नमकीन हैं तो और उसके बाद फ्रेश फूड भी होता है okay. और कई जगह स्पेसिफ़िक डिमांड होती है कई जगह हमने मैगी भी रखा है जब एक गर्म पानी का अरेंजमेंट हो उसमें डाले और मैगी जो रेडी टू वेट मैगी होता है वो भी हम डालते हैं ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं ड्राई फ्रूट्स भी हैं और थोड़ा थोड़ा सीजनल वेरिएशन भी करते रहते हैं इसमें तो मतलब आ, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है दो ऑफिस है एक नोएडा में एक दिल्ली में आपको मतलब आप हर जगह सेम प्रोडक्ट रखते हो या अलग अलग हमारे पास एक्चुअली 600 के करीब प्रोडक्ट्स हैं और एक में हाँ और एक मशीन में चा चालीस प्रोडक्ट्स एट अ टाइम लोड होते हैं ओके okay. तो हम उसकी वेरिएशन कर सकते हैं सारी कि हम सीज़न वाइज या लोकेशन वाइज हम थोड़ी बहुत चेंज करते रहते हैं जैसे और कई बार वो सजेशन जैसे अगर जो किसी कॉरपोरेट में लगी है तो उसके एच से आ जाती है कि आप okay. इसमें जी ये लगा दो वो लगा दो तो जो सजेशन आती है अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में हम गचक रखेंगे या सर्दियों के आइटम कुछ डाल देंगे रे, रेवड़ी रख ली गचक रख ली yeah. तो ऐसे चीज़ें चेंज होती रहती हैं अब एक जगह से हमारा डिमांड है ये पान रखो तो शायद हम पान भी लगा दें तो सब चीज़ें वेरी और हमारे अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलते नहीं आई थिंक पर्पज ही यही होता है मतलब ये तो डी टू सी है तो कस्टमर का फीडबैक मिलके ही आपको पता चलेगा कैसे कैसे इम्प्रूव करना है exactly. अच्छा और एवरेज हमारे जो आइटम लोडिंग होती है उसका एवरेज शेल्फ लाइफ एटलीस्ट थ्री टू सिक्स मंथ्स होती है तो इसीलिए लिए okay. हमें उसका एक्सपायरी और वैसे हमारी अपनी जो मशीन का सॉफ्टवेयर है उसमें एक्सपायरी का भी अलर्ट आ जाता है हमें तो okay. हमारी मशीन में कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जो एक्सपायर्ड होगा या एक्सपायरी के पास भी होगा क्योंकि तो एक्सपायरी से एक महीना पहले ही हम उस मशीन उसको मशीन से निकाल के उसको रिप्लेस कर देते हैं हाँ अगर आपके पास टैक है अगर एक्सपायरी हाँ, पता चल रहा है हाँ, एंड वहाँ पे मान लो मे भी छः महीने की उसकी शेल्फ़ लाइफ है वहाँ पे नहीं चल रही तो आप दूसरा कहीं भी लगा हाँ, सकते दूसरा हो? भी हो जाता है और ये वापस भी हो जाता है हमारे जो सप्लायर्स के साथ एग्रीमेंट है हाँ. कि अगर जो हम एक्सपायरी के एक महीने तक उनको वापस करते हैं तो वो उसको रिप्लेस कर देते हैं ओके तो ओके. हमें फ्रेश प्रोडक्ट मिल जाता है ठीक है आपने जब कस्टमर जर्नी बताया आपने बताया मतलब कैश को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स है आपने पूरा ऑनलाइन है आपका बार से तो मतलब क्या क्या पेमेंट मेथड्स है आपके पास तो बेसिकली अब आप अगर जो ख़ुद भी सोचो अगर जो आप एयरपोर्ट वगैरह में कभी मतलब पहले इंडिया में वेंडिंग मशीन की बात करें तो सिर्फ एयरपोर्ट पे ही हमें दिखती थी वेंडिंग मशीन हाँ। अब तो खैर थोड़ी थोड़ी और जगह आने लग गई हैं आपको मॉल्स में भी दिखने लग गए हैं और भी जगह ऑफिस हाँ, हाँ। तो सबसे बड़ा एक इशू होता था हमेशा कि आप जब मतलब वेंडिंग मशीन में नोट या कॉइन डालते थे तो अंदर से हमेशा ये घबराहट होती थी कि ये अंदर ही रह जाएगा और सामान नहीं आएगा काफी बार <laughs> तो या फिर वो नोट ही वापस आ जाएगा मतलब एक्सेप्ट तो ये एक बहुत बड़ा इरिटेटिंग फैक्टर था तो आज और एक तो ये हो गया इरिटेशन कि नोट नहीं एक्सेप्ट हो रहा दूसरा मेन था कि वो नोट चला गया और सामान नहीं आ रहा तो दोनों तरफ से आदमी को कोई एक तरह का एंगजाइटी रहती थी इन दोनों फैक्टर्स को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है एक तो हमारा अब नोट एंड कॉइन सिस्टम ख़त्म हो गया है टोटली डिजिटल हो गया है जिसमें हमने बताया दूसरा हमारी पर्टिकुलर कंपनी का एक बहुत बड़ा वो है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ अ मस्ट तो हमारा अगर जो सपोज किसी वजह से आपकी वेंडिंग फेल हो जाती है आपकी पेमेंट हो गई और सामान नहीं आया किसी भी वजह से जिसकी बहुत सारी वजह हो सकती है टेक्निकल और तो इमीडिएट रिफ़ंड आ जाता है आदमी को मतलब विद इन अ फ्यू सेकेंड उसका रिफ़ंड आ जाता है उसको मैसेज oh. आ जाएगा और रिफ़ंड आ जाएगा अगेन अगर जो उस पर भी दो या तीन परसेंट चांस होता है कि वो इमीडिएट रिफ़ंड नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू या कोई बैंकिंग oh. इशू तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा फोर्टी एट आवर्स के अंदर उसको रिफंड मिल जाएगा ओके okay. और जितने भी ये रिफंड के हैं इसकी एक अलग शीट बनती है जो शीट हमारी ऊपर तक मतलब हमारे डायरेक्टर लेवल तक हमारे डेस्क पर आती है अच्छा और ये हम लोग वी टेक पर्टिकुलर केयर की रिफंड टाइम पे प्रोसेस हो क्योंकि अगर जो आपका रिफंड टाइम पे प्रोसेस नहीं हो रहा है या कोई डिले हो रहा है तो दैट लीव्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन ऑन द कंपनी मतलब ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता हाँ। है कि आपने पेमेंट किया एंड डिस्पेंस नहीं हुआ इवन अगर डिस्प्ले या मैसेज में मुझे आ जाता है ना हाँ। कि फोर्टी एट आवर्स में हाँ। आ जाएगा स्टिल कहीं ना कहीं ना एक रहता है कि पैसे रिलीफ है तो इसीलिए दैट इज अ वेरी पर्टिकुलर एरिया जहाँ जिसको हमने बहुत स्ट्रांगली एड्रेस किया है और जिसको हम एकदम टॉप लेवल पे हम देखते हैं और मॉनिटर करते हैं कि रिफंड होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए ओके ओके ग्रेट अच्छा फिर भी, एक चीज़ हो रहा है हमारी सारी जो क्योंकि हमारी टेक बेसिकली हमारा एक टेक स्टार्टअप है तो हमारी जो मशीन है उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है ओके okay. जिसमें बहुत हाई लेवल के डाटा एनालिटिक्स भी हैं मतलब मैं अगर जो कहूँ ए बेस्ड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी हमारी बिल्टिन है तो इसीलिए हमारे को असॉटमेंट में या हर चीज़ में जो ट्रबल है ट्रबल शूटिंग में हर चीज़ में डेटा बहुत है हमारे पास हम उस डेटा okay. को एनालाइज़ करके हर चीज़ को एनालाइज़ कर सकते हैं और उस पर करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं टाइमली तो ये हमारा एक एडवांटेज है जो शायद हमारे कॉम्पिटिटर्स को टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में अभी okay. <laughs> बेसिकली मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया आप जब कैश की बात कर रहे हो रिसेंटली मैं दिल्ली एयरपोर्ट गया था वहाँ पे अब ब्रांड का नाम नहीं लूँगा काफ़ी सारी मशीन्स थी उनकी टी थ्री में आ, कैश वाली मशीन्स थी प्रॉब्लम वही था जैसे आपने बताया नोट थोड़ा सा मोटा मुड़ा हुआ है फटा हुआ है वो रिजेक्ट हो जाता आपको है आपको मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ अगर आप दिल्ली मेट्रो में कभी भी गए हो हर मेट्रो स्टेशन पे टोकन्स की मशीन्स लगी हुई हैं लेकिन फिर भी आप देखोगे जो लाइन है ना वो काउंटर पे लगी होती है हाँ। उसका रीज़न क्या है कि जो टोकन मशीन्स हैं उसमें आपको कॉइन वो डिजिटल नहीं है उसमें आपको कॉइन डालना पड़ता है और वो आधे टाइम कॉइन अंदर आ जाता है वो टोकन निकलता नहीं है तो इसीलिए जब हमने डेली मेट्रो को बताया कि हमारी टोटली डिजिटल मशीन है तो दे आर वेरी हैप्पी उन्होंने कहा यार हमारी बल्कि आपकी मशीन चल जाए तो आप हमारी ये टोकन वाली मशीन्स को भी डिजिटाइज कर दो <laughs> तो, तो ये आजकल लेटेस्ट ट्रेंड है और मतलब कन्वीनियंस के लिए बहुत अच्छा है बहुत बहुत कन्वीनियंट हाँ। हो जाता है मतलब आजकल हर कोई मतलब यू पी आई पेमेंट ही कर रहा है कैश लोग अब रखते ही कहें ज़्यादा बिल्कुल किसी आदमी को अगर जो इंटरेस्ट हो इसमें इस, इस लाइन में आने का हाँ। तो उसके लिए दो तीन ऑप्शंस हैं पहला ऑप्शन तो यही है कि जो...